गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास टेंथ की साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिस टॉपिक का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक आबंध। ठीक है, तो पहले ये सहसंयोजक आबंध क्या होता है जानेंगे, इसके बेस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में वो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है ना, तो पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है। जब किसी यौगिक में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझा होता है, तब परमाणुओं के बीच जो आबंध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं क्या? सहसंयोजक आबंध, इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शायद परिभाषा से आप समझ नहीं पाए होंगे, जब मैं आपको एक एग्जांपल बता देंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसकी उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया CH4, ये कौन है? मीथेन है। ठीक है, तो इसमें जो आबंध बन रहा है वो कौन सी आबंध हो रहा है? सहसंयोजक आबंध। कैसे? कार्बन कितनी है? एक। हाइड्रोजन कितना है? चार। एक, दो, तीन, चार है। अब देखिए कार्बन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब करते हैं 2.4 होते हैं, और हाइड्रोजन की तो एक होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे तो एक होंगे। अब कार्बन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है? चार। एक, दो, तीन, चार। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैंने क्रॉस से दर्शा दे रहा हूँ क्योंकि अलग इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की, इसीलिए आइडेंटिफाई के लिए इसको डॉट से, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शा दिया हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा दिया। अब देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी तत्व अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। अब कार्बन के पास चार है और चार चाहिए, तो चार चाहिए, तो ये जो चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन में से वो एक एक ज़रूरत पड़ रहा है तो इसलिए लेंगे। तो कार्बन किससे ले रहा है? हाइड्रोजन से लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से ले रहा है, इस जगह पर भी हाइड्रोजन से ले रहा है, और इस जगह से भी आपका हाइड्रोजन से ले रहा है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, जब किसी यौगिक, यौगिक कौन है हमारा? CH4। परमाणुओं के बीच यहाँ पे कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन को ज़रूरत पड़ा तो क्या किया? हाइड्रोजन से लिया। अब हाइड्रोजन के पास एक था तो हाइड्रोजन की भी ज़रूरत पड़ रहा है डुप्लेट पूरा करने के लिए, तो ये भी क्या करेंगे? कार्बन से एक लेंगे, इस कार्बन से भी एक लेंगे हाइड्रोजन, इससे भी लेंगे, फिर देखिए इससे भी ले रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी यौगिकों में, परिभाषा हमारा क्या कह रहा है, किसी यौगिकों में मतलब CH4 परमाणुओं के बीच, इसमें कार्बन भी है, चार हाइड्रोजन परमाणु है, तो परमाणुओं के बीच, देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझा हो रहा है, मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसकी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रहा है तो कार्बन से ले रहा है, फिर कार्बन की जरूरत पड़ रहा है तो हाइड्रोजन से ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की साझा हो रहा है। साझा होने के बाद परमाणु के ये दोनों के बीच में जो आबंध बनेगा, तो कैसे आबंध बन रहा है देखिए दिखाता हूँ। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन के बीच में एक आबंध बन गया, एक ऊपर वाले हाइड्रोजन के बीच, इस साइड और एक इस साइड पे। तो देखिए ये जो आबंध बन रहा है इसी को कहते हैं सहसंयोजक आबंध। कहने का मतलब एकदम सिंपल भाषा में क्या हो रहा है, किसी यौगिक में परमाणु के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की साझा होता है और उस टाइम जो आबंध फॉर्मेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजक आबंध, इंग्लिश में जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, मतलब शेयरिंग और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे कि मैंने ले लिया CH4, C2H6, HCl, इसके बाद C3H8, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड दे सकता है आपको, और आपको पता करना है इसमें से कितने सहसंयोजक आबंध है। तो पहला कंपाउंड हमको क्या दिया है? CH4, तो CH4 दिया है, इसको क्या करिएगा, कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर बनाइएगा। C एक था, एक लिखे हैं, हाइड्रोजन है चार, तो कार्बन चार आबंध दिखाते हैं तो चार हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमको, कितने सहसंयोजक आबंध है, तो गिनती कर लीजिए 1, 2, 3, 4। तो मीथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गया? 4 कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है, तो मीथेन में चार कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इथेन पे आ जाओ, तो इथेन के लिए अब स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन कितनी है, दो दो लिखेंगे, कितनी हाइड्रोजन है, सिक्स, एक ऊपर एक इस साइड एक नीचे, फिर एक यहाँ पे ऊपर एक इस साइड एक यहाँ पे। अब कार्बन चार आवन दिखाता है, तो एक दो तीन ये कार्बन के बीच में, फिर एक दो तीन। तो देखिए हमको बोल रहा है कितने सारे से जगह बंद है ना, तो हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, सेवन कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है। मीथेन में था फोर कोवेलेंट बॉन्ड, इथेन में कितना हो गया, सेवन कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक, अब दिया है मेरे को HCl, तो HCl के लिए क्या करोगे आप, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब यहाँ पे एक ही आबंध होंगे, तो HCl में कितनी कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो रहा है, एक। HCl में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, बचा कौन है, C3H8। तो हम करेंगे क्या, तीन कार्बन लिख लेंगे, एक दो, आठ हाइड्रोजन है, आठ हाइड्रोजन लिख देंगे, आठ हाइड्रोजन लिख दिए। अब हमको कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने के लिए बोला है, तो देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो हमारा आंसर कितने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो रहा है, 10, किसमें, C3H8 प्रोपेन में। तो कहने का मतलब जब भी आपको कुछ कॉम्पाउंड्स दे करके सहसंयोजक आबंध पूछेगा, तो ये कॉम्पाउंड की आपका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। जैसे कि CH4 की हमने कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर बना लिए, तो इसमें देखिए एक दो तीन चार, इसलिए फोर कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर इथेन में इसकी कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर बना लीजिए, और इसमें कितनी हो रहा है काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस प्रकार की आपकी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड भले नहीं पूछेगा क्या होता है, लेकिन आपको इस कंपाउंड देकर के आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड होता है।